हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसकी, आपके सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा इसके टेस्ट कंटिन्यू चल भी रहे हैं और हो भी गए हैं। अब क्या है दोस्तों, अब जो बंदा क्वालिफाई कर रहा है टेस्ट को, पीएचटी और पीईटी को, तो उसको गुजरना होगा उसके किससे, रिटर्न एग्जाम से या फिर लिखित एग्जाम से। यदि वो क्वालिफाई करता है तभी उसका चांस है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज हमको लास्ट ईयर का पेपर प्रोवाइड कराइए, आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सीआईएसएफ टेस्टमैन में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी क्या, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और साथ ही आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा वीडियो के साइड में, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है सीआईएसएफ टेस्टमैन में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं पेपर क्वेश्चंस पे, जहां पे हमने आपको स्लाइड लगा दी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में जीके वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस, आपका जीके और आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, ये सभी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपके एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रीजनिंग की। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बताने वाला हूँ कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे ही हम तैयारी करेंगे तो आप लोगों को बाकायदा इनके आंसर डिटेल्स में बताए जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, ऊंट है, भेड़ है, फिर रेशम क्या आएगा। यहाँ पे तुलना ऊंट फिर भेड़, इसके बाद रेशम के बाद क्या आ सकता है आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्या है, एल पी क्यू, फिर आता है आपका 45, यहाँ पे के ए एस, यहाँ पे क्या आएगा। अब इस नंबर की वैल्यू होनी चाहिए आपको याद कि कौन से नंबर की वैल्यू क्या है। वर्णमाला का आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए विद नंबरिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, कि आखिर किस नंबर की कितनी वैल्यू है, ए की कितनी है, जेड की कितनी है, एस की कितनी है, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बता दूं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का हम बेहद अच्छे से रोज जोरदार रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 0.16, यहाँ पे है 0.0016, फिर यहाँ पे दिया है 1.02, अब क्या आएगा आपको फाइंड करना है। अनुपात समानुपात के क्रम में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको निकालना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश, प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे दोस्तों, बैरोमीटर का वर्ग क्या होता है, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और डायमीटर। लैक्टोमीटर बेहद पूछा जाता है, साइंस में भी आ जाता है, किसका क्या नापते हैं, तो दोस्तों दूध के लिए यूज होता है बैरोमीटर। यहाँ पर आप हाइग्रोमीटर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। मैं साइंस के क्वेश्चन भी आपको बाकायदा अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, QSW, JLP और CEI और आपका QSX, तो आपको भिन्न बताना है क्या है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 34, 51, यहाँ पे 84, 25, 62, 23 और यहाँ पे 24 और 21, फाइंड कीजिए भिन्न क्या है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, आपको सार्थक क्रम बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करके आप यहाँ पे जमा सकते हैं, जो ऑप्शंस मैच खाते हैं वही आपका सार्थक क्रम होगा। जैसे सबसे छोटा क्या होगा, छोटा नदी, नदी, फिर आप लोगों का समुद्र, महासागर, हिमनद, ये सारे ऑप्शंस आपको मैच करके जमाना है। इनका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस उठाइए, यहाँ पे ना जमाइए, यहाँ पे उठाइए, आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देन इसके बाद जैसे हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं क्या है, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 और 9 निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे आप तो दोस्तों नेक्स्ट DIV, फिर HMF,
फिर एल क्यू जे। नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, आपको पोजीशन याद होनी चाहिए और यहाँ पर अंतर निकालना रहता है। रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, खासकर श्रृंखला नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए 9वें नंबर पे क्वेश्चन क्या है, 27 64 आपको बीच वाली फाइंड करना है वैल्यू। यहाँ पे 216 दिया है, आपको ऑप्शन मिलेंगे चार, यहाँ पे आप बताइए क्या होगा। तो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये श्रृंखला दी है, आपको गलत बताना है कि क्या है इसमें गलत। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 25, 45, 9.72 और यहाँ पे 16.2। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पर गोल सर्कल वाला है, वृत्ताकार सीट है, घेरे में बैठे हुए हैं इनकी पोजीशन। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकाले जाते हैं कि किसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों इस वर्ड को जे बोला जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करीबन 1 से लेकर 2 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं। ये इजी काउंट होते हैं, बेहद इजी होते हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा कर पूछ लेते हैं। देन इसके बाद कभी कभी वो अपोजिट भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे थोड़े, तो हमको यहाँ पर 13वें नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जय कुमार दोस्तों 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह यहाँ पर दिया है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चाल, दूरी, समय, यहाँ पर इस सभी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। दिशा दूरी वाले क्वेश्चन से यहाँ पे आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इन सब का नॉलेज होना चाहिए, देन इसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं। हम ये टॉपिक भी बेहद अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है एक बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए। दोस्तों अभी आप बेसिक बेसिक देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकायदा फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये भी ऐसी। नेक्स्ट है क्या, किसी पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए दोस्तों यहाँ पर रिश्ते आपका, यहाँ से रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे डाइस भी दिया है, डाइस से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इस प्रकार से विकल्पों में दी गई संख्याओं के 4 सेटों में से संख्याओं के उस सेट को ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए सेट के सर्वाधिक समान है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स बेहद इजी होता है ऐसा फाउंड करना, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड नहीं होगा वही शब्द होगा जिससे हम बना नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है मेरा मुंह पूर्व की ओर है दोस्तों, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर फिर आप देखिए वर्बल और नॉन वर्बल, आपके एग्जाम में रीजनिंग से 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो वर्बल और दूसरा रहेगा नॉन वर्बल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आकृति पहचानना है आपको क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आकृति फाउंड करनी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त यहाँ पे आकृति चुनिए, कौन सी लुप्त है वो ज्ञात करनी है, यहाँ पे फाइंड करना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है। तो दोस्तों ये भी बेहद इजी क्वेश्चन है, इसको हम टफ बिल्कुल नहीं मान सकते। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपकी CISF ट्रेड्समैन में। तो डियर फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी देख लीजिए। फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वही आपको यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अल्पबुद्धि, कड़वा, मूर्ख क्या आएगा, नेक्स्ट है CG और EI और FG फिर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हम इनकी भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन प्लीज प्रोवाइड कराइए। तो यही सब हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ना। तो चलिए फिर सब हम देख लेते हैं कि आखिरकार हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपने यहाँ पे सब क्वेश्चन देख लिए हैं किन किन टॉपिक से आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपने देखा होगा कि ज्यादा हाई लेवल बिल्कुल नहीं है रीजनिंग का, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना।
और फ्रेंड्स बात करते हैं कि सर मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैथ में भी बेसिक, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता ना ज्यादा घुमाता है। यदि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज नॉलेज है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि समान आयतन के दो लंब रहती है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1/2 है, तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात निकाली बेहद इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा यहाँ पे दोस्तों बेहद इजी क्वेश्चन है, एलसीएम लेके डायरेक्ट निकल जाते हैं, है ना। ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं, मैं जहां तक होगा सारी ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर घंटा की चाल से, तो यहाँ पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा टफ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पे दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्रति वर्ष संयोजन 102 है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। नेक्स्ट, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे आपको दर फाइंड करनी है, रेट। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 36 पुस्तकों का क्रय मूल 30 पुस्तकों के विक्रय मूल के बराबर है, लाभ ज्ञात करना है आपको, है ना। इसी प्रकार से आपको एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 में बेचा है। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल पर बेचना होगा। बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देख सकते हैं, तो आपका मैथ का लेवल आपको पता चल रहा है कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। देखिए व्यंजक ज्ञात करने वाले भी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया किसी कक्षा में 60% छात्र गणित पढ़ते हैं तथा 55% छात्र रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ पे यदि 25% छात्र दोनों विषयों को पढ़ते हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो गणित और ना ही रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु पर 2 बट्टा क्रमशः 20% तथा 25% मिलता है, तो इन दोनों बट्टों के तुल्य 1 बट्टा क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, तो दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक परीक्षा में 100 प्रश्न हल करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये नहीं समझना कि यहाँ पे सिर्फ आपको गद्यांश पद्यांश ही देखने को मिल जाएंगे, नहीं, आपको बिल्कुल इसकी व्याकरण का पूरा डीपली नॉलेज होना अनिवार्य है। कहने का मतलब चाहे रस हो, अलंकार हो, आपके शब्द शक्ति, शब्द के भेद हो, या फिर क्रिया क्रिया विशेषण हो, आपके जो जो कुछ हिंदी में रहता है सब, जी हाँ दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, आपके पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एंड पर्यायवाची, सब कुछ आपको आना अनिवार्य है। आपके दोहा, छंद, सब कहीं से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या है उत्साह, किस रस का स्थायी भाव है, तो दोस्तों आपको बताना है उत्साह शांत रस का, रौद्र रस का, करुण रस का, वीर रस का, तो उत्साह कब आता है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसे सिंधु करह मन रोसा। अब आपको यहाँ पर कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकार, उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर छंद की मात्राएं और आपको वहां पर सब नॉलेज होना अनिवार्य है, तब जाके आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, आपदी, बुंदेली, तो दोस्तों इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, यदि 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से आते हैं तो आप दोस्तों 25 में से 25 बनाएंगे, यदि आप मेरे से हिंदी पढ़ लेते हैं तो। बाकायदा आपको डिटेल्स में बताई जाएगी, और आप लोग ये गलती ना करें, रट्टू तोता बनकर हिंदी बिल्कुल ना पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है आप लोग या तो कोई बुक उठा लेंगे या फिर सेट्स वगैरह लगा लेंगे, सेट लगाने से कुछ नहीं होता, छप्पन अपन ऐसे नहीं, इसको हिंदी को डिटेल्स में पढ़ना होता है, खासकर इसकी ग्रामर को। यदि आपको अंदर से ग्रामर आती है तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के बना दे आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, और यदि आप रट के जाएंगे तो दोस्तों रटे रटाए क्वेश्चन में तन्नक में थोड़ा सा ही घुमाया तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, तो कमला,
सिंधु सुता और रामा एशवि, आपको बताना है क्या होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्या है, विभाग का कौन सा पर्यायवाची है, परिणय, रोहित, बल्ली, आयस। तो दोस्तों पर्यायवाची क्वेश्चन से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं हिंदी में। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, विद्वान, अपंडित, कुपंडित, मूर्ख। यहाँ पे चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दुशासन की संधि विकसित क्या हो, दोस्तों संधि विकसित जितनी भी संधियां होती हैं सारी संधियां मैं ऐसी याद करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है क्या है, दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दोस्तों आपका समास फाइंड करना है, दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कौन सा समास है ये आना है, समास से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पर है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाले को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है मधुशाला के रचयिता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर रचयिता भी, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह की संख्या है, तो दोस्तों आपको अनुस्वार, आयोग वाह, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला है बीजक के रचयिता कौन है, सबको पता होगा। विनय पत्रिका किसकी प्रति है, तो दो कृति है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट दोहा में कितने चरण होते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। यहाँ पे ध्रुव स्वामी की रचयिता कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। यहाँ पर गबन किसकी कृति है, तो दोस्तों ये तो शायद ही किसी को पता ना हो, किसकी है, प्रेमचंद्र की, है ना, गोदान, गबन। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख रहा होगा बौर और सभ्य, रघुवंश, कोठार की, धर्म, बारन, बाजी, सरथाई। यहाँ पे बाण की वायु, उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो, अरेहा, समरथाई। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है क्या भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस या भक्ति रस। इसी प्रकार से बहुत ही फेमस फिर से क्या पूछा है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, आपका यहाँ पे तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या है यहाँ पर, करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस, यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, वात्सल रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से सही बर्तनी नहीं है, साहित्यकार, साहित्यकार, तो दोस्तों यहाँ पर बर्तनी से क्वेश्चन पूछा है। अब आपका जो जनरल अवेयरनेस रहता है, आपका करंट अफेयर्स और आपका जो नॉलेज जीके, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे समुद्री शैवालों में क्या होता है, क्लोराइड, आयोडाइड, लोहा, जस्ता, तो दोस्तों साइंस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर आपके बायोलॉजी से। यहाँ पे भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों बताना है मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, चंडीगढ़। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो बताइए। नेक्स्ट पहला भारतीय बैंक था, तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, ट्रेडर्स बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। एएलयू का, तो दोस्तों आपको सबको पता होगा इसका क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होते, तारमीन में, स्पंज में, जाली फिश में और रजत मीन में। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद, आलमारा, चंडीदास, झांसी की रानी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, मणिपुर, मयूरभंज का छऊ और भागड़ा चांग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जीके में आते रहते हैं ज्यादा डीपली यहाँ पे भी नहीं है ना, लेकिन साइंस के क्वेश्चन को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा, यहाँ पे क्वार्टज एक रूप है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है क्या, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, छो मंडल में, आयन में, समताप में, बहिर्मंडल में, तो सबको दोस्तों पता होगा समताप है। नेक्स्ट क्या है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है, सेनेगल की, रवांडा की, सोमालिया की और मोरक्को की। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा नेशनल संपत्ति के अधिकार को सबको पता होगा, चावल इसे। गरबा कहाँ का लोकनृत्य है, तो दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्या है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतक, तो दोस्तों सबको पता होगा। नेक्स्ट वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक, यहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो दोस्तों लोक में और राज्य में ये सारे याद होने चाहिए, 12 और 2 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रबी की फसलें कौन सी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंतिम, गवर्नर जनरल, कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी देखने को मिल जाते हैं, ग्रैमी पुरस्कार, संगीत। तो दोस्तों यह सभी क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं।
कि आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि आपको शाम तक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, टेक केयर।